आरा बिहार से भरत उपाध्याय जी, आप पूछ रहे हैं कि अलग अलग वर्णों में अलग अलग अशौच की तिथियां क्यों बताई गई। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। संभवतः इसी बात का विचार करके आप यह प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये बहुत मनोवैज्ञानिक बात है। भगवान मनु ने मनोविज्ञान का प्रयोग करते हुए यह व्यवस्था हम लोगों को प्रदान की है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान मनु ये समझते रहे हैं कि जो विप्र है वो ज्ञानी है, अगर उसके घर में कोई गमी हो गई है तो उसका शोक संभालने में वो जल्दी समर्थ हो जाएगा, क्योंकि उसको ज्ञान है, संसार की निस्सारता का भी उसको ज्ञान है, और जो शोक है वो नहीं करना चाहिए इस बारे में भी उसको पहले से पता है। इसी तरह से वैश्य और शूद्र भी ब्राह्मण के संपर्क में निरंतर रहने से इस बात को जानते हैं, इसीलिए उनको भी कुछ और दिनों में ही शोक से मुक्त होने का अवसर प्राप्त हो जाता है। वो 12 दिन में क्षत्रिय, 15 दिन में वैश्य, और शूद्र चूंकि निरंतर कला कौशल में ही लगा रहता है, निरंतर कार्यों में ही लगा रहता है, इसलिए उसके मन में वस्तुओं के प्रति अधिक लगाव होता है, तो उसका जो शोक है वो थोड़ा देर में दूर होगा, इसीलिए उसके लिए 1 मास की व्यवस्था बनाई गई है। ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, और इसी दृष्टिकोण के आधार पर आप देखिए, केवल इतना ही नहीं, राजा और मंत्री के लिए सद्य शौच का विधान है। राजा और मंत्री अधिक देर तक किसी चीज में नहीं लिप्त रह सकते हैं, क्योंकि उनके पीछे बहुत से काम हैं, इसलिए उनको स्नान मात्र से शौच अशौच दूर हो जाता है, तत्काल शुद्धि उनकी हो जाती है। सन्यासी को होता ही नहीं है अशौच, क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी है। तो यह जो दृष्टिकोण है, इसी दृष्टिकोण को रख करके भगवान मनु ने यह व्यवस्था बनाई है कि 10 दिन में विप्र को अशौच दूर हो जाता है, 12 दिन में क्षत्रिय को, 15 दिन में वैश्य को और शूद्र को 1 मास में अशौच दूर होता है। इसी बीच में वो अपना जितना भी मृत व्यक्ति का अर्धदैहिक कर्म है वह सब भी कर लेते हैं, और फिर से अपने आप को समाज की सेवा के लिए, परिवार की सेवा के लिए, अपने कल्याण के लिए तैयार होने में सक्षम हो जाते हैं।